हाय फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको ये पट्टी की डिज़ाइन बना के बताया है। उस वीडियो की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगी और पिन कमेंट में भी दे दूंगी। आप उस पर क्लिक करके इस पट्टी की डिज़ाइन को देख लीजिएगा। आज हम इसके नीचे की लरी बनाएंगे। देखिए ये वाली लरी, तो इसे बनाने के लिए देखिए मैंने ये मोटा वाला ऊन लिया है और 5 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है। तो सबसे पहले हमें इसमें ऐसे नॉट लगाना है। अब इसमें हम चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए 16 चैन बना के हमें इसे यहाँ पे ऐसे पकड़ना है। उसके बाद हम 1 2 3 4 5 चैन बनाएंगे। अब देखिए ये 16 वाला चैन हमने यहाँ पे पकड़ा था, हमें उसके नीचे वाले यानी इस 15वीं चैन में इसे ऐसे जॉइन कर देना है। देखिए ऐसे हम इसे गोल कर देंगे इस तरह। अब यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 चैन बनाएंगे। अब यहाँ पे हमें फंदा बनाना है, तो ये वाला धागा ऐसे हम थोड़ा सा इसे देखिए बड़ा करेंगे। अब यहाँ पे एक टाइम ऐसे धागा लपेटेंगे और देखिए ये वाला एक चैन छोड़ देंगे और इसके नीचे वाली चैन में हम फंदा बनाएंगे। देखिए इसमें ऐसे बनाना है, यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया का फंदा बनाना है। फिर इसी जगह पे हमें फंदा बनाना है, यहाँ पे हमें ऐसे 10 फंदा बनाना है। देखिए एक हो गया है, 2 3 4 5 छः सात आठ नौ दस। देखिए यहाँ पे ऐसे 10 फंदा हो गया है। अब यहाँ पे हम एक चैन बनाएंगे ऐसे। अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने ये फंदा बनाया है जिस चैन में, हमें इसी में ऐसे हुक करके इस साइड में निकालना है। देखिए यह ऐसे है, इस साइड में ऐसे हुक करके धागे को हम इस साइड में लेके आएंगे और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। अब देखिए ये एक पत्ती ऐसे बन जाएगी, 1 2 3 4 5 चैन। अब इसे हमें यहाँ पे इस गोल वाले में जॉइन कर देना है। देखिए ये ऐसे है, इसमें हम ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये एक लरी बन गई है, इसी तरह से इसमें हमें लरी बनानी है, 1 2 3 4 5 6 चैन। अब धागे को बड़ा करके एक चैन छोड़ के इस दूसरी चैन में देखिए ये जो 5वां चैन है इसमें हमें फंदा बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए यहाँ पे 10 फंदा हो गया है। अब यहाँ पे हम एक चैन बनाएंगे
और इसे हम इसमें जॉइन कर देंगे, जैसे हमने इसमें इसे जॉइन किया था उसी तरह से। तो क्रोशिया को हम इस साइड से डाल के इस साइड में निकालेंगे और धागे को ऐसे इस साइड में लेके आएंगे। अब इसे हम ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चैन। अब जैसे हमने इसे जॉइन किया था यहाँ पे इस सर्कल में, इसे भी हमें इसी में जॉइन कर देना है। देखिए ये दो लड़ी बन गई है, 1 2 3 4 5 6 चैन। धागा बड़ा करके एक चैन छोड़ के इस नीचे वाली चैन में हमें इसी तरह से 10 फंदा बनाना है जैसे हमने यहाँ पे बनाया था। देखिए यहाँ पे ये एक गुच्छा बन गया है, देखिए ऐसे दिख रहा है ये। अब देखिए यहाँ पे हमने 16 चैन बनाया था, तो अब हम यहाँ पे भी 16 चैन बनाएंगे, क्योंकि इसी इतनी डिज़ाइन को हमें रिपीट करते हुए जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, देखिए 16 चैन हो गया जैसे हमने यहाँ पे बनाया था। अब यहाँ पे इसे हम ऐसे पकड़ेंगे, 1 2 3 4 5 चैन बना के। अब देखिए ये 16वीं चैन और ये 15वीं, तो इस 15वीं चैन में हमें इसे ऐसे जॉइन कर देना है। देखिए यहाँ पे ऐसे गोल बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 चैन। फिर धागा बड़ा करके ये वाला चैन छोड़ के इस नीचे वाली चैन में हमें 10 फंदा बनाना है जैसे हमने यहाँ पे बनाया है। देखिए यहाँ पे ये 10 फंदा हो गया है। अब हमें यहाँ पे उसी तरह से करना है, पहले हम एक चैन बनाएंगे और यहाँ पे ऐसे हुक डाल के इस साइड में, देखिए यहाँ पे हमें ऐसे इस साइड में ऐसे निकालना है, ऐसे करके धागे को हम इस साइड में लेके आएंगे और यहाँ पे हम ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चैन। अब यहाँ पे इसे हम जॉइन कर देंगे, देखिए इस तरह से दिख रहा है। इसमें ऐसे जॉइन कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 चैन। अब यहाँ पे इसी तरह से 10 फंदा। देखिए जिस तरह से हमने ये एक पूरा गुच्छा बनाया है, हमें यहाँ पे इसी तरह से पूरा गुच्छा बनाना है। देखिए ये एक लड़ी मैंने बनाई, अब यहाँ पे हम 4 लड़ी और बनाएंगे। ये वाली लड़ी देखिए जैसे इसमें है, ये 16 चैन, ये गुच्छा, फिर यहाँ पे ये चैन, फिर ये गुच्छा, फिर ये चैन, फिर ये गुच्छा। देखिए इसी तरह से हमें बनाते हुए जाना है। देखिए फ्रेंड्स मुझे जितनी लड़ी चाहिए थी मैंने बना लिया है। देखिए हमें ऐसे दो दो लड़ी का जोड़ा बनाना है। देखिए ये दो लड़ी सबसे छोटी वाली पिंक कलर से, और दो लड़ी ये बीच वाली रेडियम कलर से, और दो लड़ी ये सबसे बड़ी वाली पिंक कलर से। अब देखिए सबसे छोटी वाली लड़ी में 1 2 3 4 5 गुच्छा है। जब हम 5 गुच्छा बना लेंगे उसके बाद 16 चैन बना के धागे को हम कट कर देंगे। देखिए हमें इतना बड़ा धागा ऐसे रखना है, इसी धागे से हम इसे पट्टी में जॉइन करेंगे। देखिए इस साइड में भी ऐसे ये चैन रहेगा और इस साइड में भी ऐसे चैन रहेगा, दोनों साइड में हम ऐसे चैन रखेंगे और यहाँ पे हम ऐसे धागे को कट कर देंगे। देखिए सबसे छोटी वाली में 5 गुच्छा है, और देखिए ये बीच वाली में 1 2 3 4 5 6 7 8,
इसमें 8 गुच्छा है। देखिए यहाँ पे भी हम 16 चैन बना करके धागे को कट कर देंगे। देखिए दोनों साइड में ऐसे चैन रहना चाहिए, इस साइड में और इस साइड में। देखिए सबसे बड़ी वाली लड़ी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इसमें 11 गुच्छा है। तो इसी तरह से हमें लड़ी को सेट कर लेना है। अब देखिए इसे हमें पट्टी में ज्वाइन करना है, तो सबसे पहले हम इसे गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए 10 यहाँ पे ये वाला जो पैटर्न है 10 है, और ये बीच वाला इसमें हम ऐसे निशान लगाएंगे। अब उसके बाद देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए 10 पैटर्न हमें इस साइड में करना है और 10 पैटर्न हमें इस साइड में करना है। आपकी जितनी बड़ी पट्टी बनाई है आपने, उसका आप ऐसे आधा आधा कर लीजिएगा, आधा इस साइड में और आधा इस साइड में, और यहाँ पे बीच में ऐसे निशान लगा लीजिएगा। अब देखिए ये जो सबसे बड़ी वाली लड़ी है, तो ये सबसे बड़ी वाली लड़ी है हमें इसमें लगाना है। इसमें हमने निशान लगाया है सेंटर में, इसे हम इसमें ज्वाइन कर देंगे। देखिए इसमें भी हम निशान लगा लेते हैं। हमें इसमें लंबी वाली लड़ी लगानी है, यहाँ पे, यहाँ पे, और एक लड़ी हम यहाँ पे लगाएंगे। देखिए वहाँ पे ऐसे हमें लंबी वाली लड़ी लगानी है। अब देखिए इस लड़ी को हमें इसमें ज्वाइन कर देना है, यहाँ पे बीच में ऐसे हो जाएगा ये। उसके बाद ये रेडियम वाली लड़ी जो बीच वाली है हमें इसमें ज्वाइन करना है ऐसे, और यहाँ पे इसमें ऐसे हो जाएगा, और सबसे छोटी वाली लड़ी हमें इसमें ज्वाइन करना है। इसमें ऐसे ज्वाइन करेंगे और यहाँ पे इसमें ज्वाइन करेंगे ऐसे। अब यहाँ पे देखिए बीच में 1, 2, 3 पैटर्न यहाँ पे बच रहा है बीच में, इसे हमें ऐसे छोड़ देना है। ठीक है, अब जिस तरह से हम यहाँ पे लड़ी को सेट करेंगे, हमें उस साइड में भी इसी तरह से सेट करना है। देखिए यहाँ पे 1, 2, 1, 2, और ये बीच वाली जाली यहाँ पे मैं ऐसे निशान लगा लेती हूँ, इसमें हमें लड़ी ज्वाइन करना है। अब यहाँ पे देखिए 1, 2, ये 2 जाली, 1, 2, ये 2 जाली, और इस बीच वाली जाली में ऐसे निशान लगा लेती हूँ। अब यहाँ पे 1, 2 जाली, 1, 2 जाली, और इस बीच वाली जाली में ऐसे निशान लगा लेंगे। देखिए ऐसे हो गया। अब इसी में हमें ये लड़ी ज्वाइन करना है। अब देखिए मैं आपको एक लड़ी यहाँ पे ज्वाइन करके बता देती हूँ। देखिए ये जो सबसे बड़ी वाली लड़ी है, इसे हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है। देखिए ऐसे हम यहाँ पे इस चैन के पास ऐसे ले आएंगे, इसमें हमें ऐसे गांठी लगानी है।
देखिए ऐसे यहाँ पे गांठी लगा देंगे। आप चाहें तो इसे ऐसे डबल भी कर सकते हैं, इसे एक बार ऐसे करके यहाँ पे ऐसे गांठी लगा दीजिए। देखिए ऐसे बन गया है। देखिए ये धागा हम ऐसे चैन में करके नीचे लेके आएंगे थोड़ा सा, और इसे हम कट कर देंगे। देखिए ऐसे हो गया, अब इसे हम कट कर देंगे। ऐसे बन जाएगा। देखिए एक साइड में हमने जॉइन कर दिया है, अब इसे हमें यहाँ पे जॉइन करना है। देखिए ये बीच वाला, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स इसे जॉइन करने के बाद हमें इसके बीच वाली लड़ी बनानी है। कैसे हम बनाएंगे, यहाँ पे हमें तीन लड़ी लगानी है, तो दो लड़ी पिंक कलर से और एक लड़ी रेडियम कलर से। एक लड़ी हमें यहाँ पे लगानी है और एक लड़ी हमें यहाँ पे लगानी है। अब जहाँ पे हमने ये पिन लगाया था, ये रेडियम वाली लड़ी हमें इसी बीच में लगानी है ऐसे। तो मैं आपको पहले ये लड़ी बना के बता देती हूँ। ये जो डिज़ाइन है ये तो यही वाली है जो हमने इसमें बनाया है, सिर्फ यहाँ पे ये बुट्टी की लड़ी बनी हुई है। ऐसे हम नॉट लगाएंगे। अब इसमें हम 1, 2, 3, 4, 5 चैन बनाएंगे। अब जो सबसे नीचे वाला चैन है इसमें हमें ऐसे हुक करके इसे जॉइन कर देना है। 1, 2, 3, 4, 5 6 चैन बना के धागे को ऐसे बड़ा करेंगे। अब एक चैन छोड़ के इसके नीचे वाली चैन में ऐसे हम फंदा बनाएंगे। फिर इसी चैन में हमें फंदा बनाना है। देखिए इसमें ये 10 फंदा हो गया है। अब एक चैन बनाएंगे और इसे हम यहाँ पे इसे जॉइन कर देंगे। देखिए यहाँ पे ऐसे हुक डाल के इस साइड में निकालेंगे, धागा इस साइड में लाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 चैन। अब जो हमने ये बनाया है इसमें हमें इसे जॉइन कर देना है। देखिए जिस तरह से हमने ये वाला गुच्छा बनाया है इसी तरह से हमें इसमें बनाना है। कैसे, ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ये 5 लड़ी बना लिया है। ये जो बुट्टी है ये 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे हमें ऊपर की लड़ी बनानी है, तो उसके लिए देखिए 1, 2, 3, 4, 5 6 चैन लेंगे। अब धागे को हमें ऐसे बड़ा करना है। अब देखिए एक चैन हमें छोड़ देना है और इस दूसरी चैन में हमें ऐसे फंदा बनाना है। अब देखिए ये जो धागा है इसे हमें बुनना नहीं है, इसी पे हम ऐसे रहने देंगे। फिर से धागा लपेटेंगे, अब इसी में ऐसे एक फंदा बनाएंगे, फिर धागा लपेट के एक फंदा बनाएंगे। देखिए यहाँ पे 3 फंदा हो गया। अब सारे फंदे हम ऐसे एक साथ
उतार देंगे। तो यहाँ पे ये ऐसे बुट्टी बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6, फिर से हमें इसी तरह से बनाना है। धागा बड़ा करके एक चैन छोड़ के इस दूसरी चैन में 1 2 3 फंदा अब एक साथ उतारेंगे सारे फंदे। देखिए ऐसे बनेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी एलरी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए ये बुट्टी है, इसके बाद हमें सिर्फ ऐसे एक चैन करके धागा कट कर देना है। देखिए ऐसे बन जाएगा। देखिए ये दोनों लरी हमें एक साइज की चाहिए, पिंक वाली और रेडियम वाली दोनों। देखिए एक साइज की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इसमें भी ये जो बुट्टी है 11 बुट्टी है। तो इसी तरह से मुझे जितनी लरी बनानी है मैं बना लेती हूँ। देखिए इसमें हम 3 लरी रेडियम कलर की बनाएंगे और 6 लरी पिंक कलर से, 1 2 3 4 5 6। देखिए ये वाली जो लरी है इसे हमें बीच में लगाना है जहाँ पे हमने ये पिन लगाया था। देखिए यहाँ पे हम ऐसे गांठ लगा देंगे। अब ये पिंक वाली लरी हमें यहाँ पे लगाना है। और एक लरी हम यहाँ पे लगाएंगे। इसी तरह से हमें इस साइड में लगाना है। रेडियम वाली लरी हम इसमें लगाएंगे और पिंक वाली यहाँ पे और एक यहाँ पे। देखिए मैंने इसमें लरी जॉइन कर लिया है। इसका फाइनल लुक इस तरह से दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये तोरण डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।